شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है जिसने जिंदगी में एक मर्तबा फिर अपने मुकद्दस मेहमान को उम्मत मुस्तफ़ा के लिए साया रहमत बनाकर भेजा। मेरी तरफ से सबसे पहले आपको इस मुकद्दस महीने की मुबारक हो। अल्लाह ताला इसकी सुबह, इस माह की शाम और इस माह का एक एक लम्हा आपकी जिंदगी के लिए बायस रहमत भी बने और बायस बरकत भी बने। रोजे से मुतल्लिक आपको याद होगा, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर तफसील के साथ और इजमालन जिक्र किया था। आज भी बतौर बरकत जिक्र करता हूं और उसके साथ आज हमारा मौजू खास तौर पे दुनियाए कायनात की वो अजीम शहजादी जिसे सैयदतुन निसा कहा जाता है और जिनका नाम सुनकर अहले दिल नरम हो जाते हैं, और वो सैयदा जिसके जिक्र से मुर्दा दिलों को हयात नौ मिलती है, वो सैयदा जिसके जिक्र से अल्लाह बेरिस्कों के लिए रिस्क के हलाल के दरवाजे को शादा कर देता है। आज हम उस मलका जन्नत के लिए हदीये अकीदत पेश करेंगे और इस नीयत के साथ अभी खान महफूज़ रहमान ने एक जुमला पढ़ा, उस शेर का मिसरा और उसका मफहूम ये था, जहरा के नौकर आज हम दरे जहरा पे अर्ज करेंगे, सैयदुल अंबिया की प्यारी बेटी
शदीद गर्मी के मौसम में शाही करते हैं कि है नूरे चश्मे मोहम्मद, आज हम तुम्हें सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं, कल कयामत के दिन हमें भूल न जा। अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन है और ये एक ऐसी मख्फी इबादत है। हर इबादत अपने जाहिरी हुस्न से पहचानी जाती है। नमाज है बताने की जरूरत नहीं होती, उसका कयाम, उसका रुकू और उसका जलसा और उसके सजदे ये बताते हैं कि वो अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है। ज़कात जिसे देनी है तो उसे कहकर दो कि ये ज़कात की रकम है। हो सकता है कि वो ज़कात का हक न रखता हो, उसकी वजह से मदद कर दी जाए। दूसरा राज ये है कि लेने वाला उसे कहो कि ये ज़कात है, कहीं लेने वाला सय्यद ना हो, क्योंकि सय्यद पर सदका और ज़कात नाजायज है, हराम है। वजह एक सैयद जो गरीब है वो ज्यादा हक रखता है उसकी मदद की जाए, मगर पैगंबर ने खुद कहा लोगों मेरी औलाद को ज़कात न देना। हुजूर वजह फरमाए ज़कात है तुम्हारे माल का मैल और तुम अपने माल की मैल उतार कर मेरी औलाद को न दो, मेरी औलाद को जो कुछ देना है वो साफ सुथरा माल दो। और कुरान कहता है कि अगर तुमने नबी की औलाद को देना है तो ये दो, कि लोगों मैं अपनी औलाद के लिए फकत यही सवाल करता हूं कि मेरी औलाद से मोहब्बत नहीं मवद्दत करो। मवद्दत उसे कहते हैं कि पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए मोहब्बत करो कि जिस तरह पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह आल की मोहब्बत के बगैर कोई मोमिन मोमिन नहीं रह सकता। अल्लाह 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 अल्लाह
कोई इबादत करे, जकात है, नमाज है, हज है, आपने हाजी साहबानों को रुख्सत किया, फूल पहनाए, वापस आए तो उनसे मिले, लोगों ने कहा हाजी साहब हैं, नमाजी, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहा जाता है, जिहाद करने वाले को गाजी कहा जाता है, उसके राह में कत्ल करने वाले को शहीद कहा जाता है, मगर रोजा एक ऐसी मख्फी इबादत है कि इस इबादत को या रोजेदार जानता है या उसका परवरदिगार जानता है, कोई और नहीं जानता। और रोजे कहा कि तुम पर फर्ज नहीं हुए, तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज हुए, थोड़ी आवाज खोल दो जरा, तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज हुए। और याद रखें बस एक, क्योंकि ये मौजू पिछले जुमे हो चुका है, इसलिए कि मैं जो अहबाब मुसलसल पूरा साल जिनकी मैं खिदमत करता हूं, उनके हर चीज मजामीन का, उनके तरतीब का भी मुझे ख्याल करना होता है, तो रोजे सरकार ने फरमाया कि पहली उम्मतों पर भी हुए। कुरान भी है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लजीन मिन कब्लिकुम, कि तुमसे पहले भी उम्मतों पर रोजे फर्ज हुए, रोजे सरकार ने भी रखे, लेकिन मेरे आका कभी कभी यौमे विसाल के रोजे भी रखते थे, छह छह दिन सरकार ने नहीं खाया। हम तो सुबह से लेकर चार बजे से लेकर शाम के मगरिब तक ये 15 सवा 15 घंटे का रोजा, लेकिन पैगंबर का की सीरत का मुताला करें कि सरकार ने छह छह दिन खाना नहीं खाया ना पानी पिया, यौमे विसाल के रोजे रखे। सहाबा ने देखा हुजूर नहीं खा रहे, उन्होंने भी खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, रोजे रखे। हालत ये हुई कि 2 दिन के बाद जब मस्जिद में आए तो कोई दीवार का सहारा लेकर आ रहा है, कोई किसी के कंधे का सहारा लेकर आ रहा है। सरकार ने फरमाया क्या हुआ तुम्हें? कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, हमने रोजे रखे हैं। मैं रोजे रखने से ऐसी हालत तो नहीं होती हुजूर, हमने आपको देखा कि आपने 4-4 5-5 दिन नहीं खाया, हमने भी आपको देखा, हमने भी 2-3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, हम आपकी सुन्नत पर अमल अच्छा था। लेकिन नबी पाक ने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है चलो भाई ये रोजे तुम रख रहे हो अच्छी बात है, मैं 6 दिन नहीं कहता तुम भी ना खाओ, नहीं, बस ये सुन्नत था। पैगंबर के चेहरे पर जलाल आया, फरमाया सहाबा अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में जो मोहम्मद की मिसल बने, कौन है तुम में जो मोहम्मद की मिसल बने। हुजूर आपने नहीं खाया, आपने नहीं पिया, हमने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। फरमाया मुझे रब काबा की कसम है, तुमने मुझे देखा, मेरी भूख को देखा, मेरी प्यास को देखा, लेकिन यही नहीं देखा कि मैं अपने रब के पास खाता हूं और पिलाता भी वही है, खिलाता भी वही है। और वैसे भी सरकार फरमाते, सरकार के सहाबा कहते हैं हमें जब भूख लगती थी तो हम सरकार की ज्यारत करने के लिए चले जाते। ये तो कुरान में भी वाकया है, मैं इख्तसार के साथ अर्ज करता हूं। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आए ना तख्त पर बैठे, कहर पड़ गया, गल्ला नहीं मिलता, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया या अल्लाह गल्ला नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब तुझे हुस्न क्यों दिया है? वो कहते हैं गल्ला नहीं मिला, ये क्या रब फरमाता है मैंने तुझे हुस्न दिया, या अल्लाह हुस्न का क्या कर रहा? फिर मैं आज ऐलान कर दो जिसको गल्ला चाहिए फला मैदान में इकट्ठे हो जाओ, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, या अल्लाह मैं आ गया, पर मैं प्यारे यूसुफ ये कहते हैं कि भूख लगी है तो हुक्म
या अल्लाह क्या कहा जाए, गल्ला आ रहा है, अनाज, गल्ला, खाने के लिए सामान आ रहा है। पर मैं नहीं, यूसुफ अपने चेहरे से पर्दा उठाओ, चेहरे से पर्दा उठाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चेहरे से पर्दा उठाया, जिस जिसने देखा, रोजा लग न बने ना, अपना अपना ख्याल रखो। महमूद बेटा अपना ख्याल रखो, हमारा तो खैर है ना। तो एक मरतबा फिर मोहब्बत उस बुलंदी से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मालिक जो अब सुभान अल्लाह के उसके रोजे रखे कबूल कर ले। मेरे मालिक जो अब सुभान अल्लाह के उसे हिम्मत और ताकत अदा कर दे। ऐ अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह के इस महीने की बरकत से उसके रिज्क में बरकत अदा कर दे। मेरे मालिक जो अब सुभान अल्लाह के, ऐ अल्लाह इस मुकद्दस माँ के सदके जो मांग रहा है वो इसे अता कर दे, वो इसे अता कर दे। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो तो और वाक्या है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुस्न से पर्दा उठाया तो मिस्र की औरतों ने हाथ काट डाले। और वो भी अल्लाह का कुरान कहता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जुलैखा ने कहा कि ताना दिया है कि तू एक गुलाम पे फरेफ्ता है, जरा मेहरबानी फरमा, हुस्न तो दिखा, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है इंतजाम करो, हुस्न दिखाते ताकि इन्हें पता चले कि कोई गुलाम है या आकाओं का आका है। और कुरान कहता है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चेहरे से पर्दा उठाया, इजाजत है, होशियार थी कि बहु बाबा فَلَمَّا رَأَيْنَهُ क्या ख्याल है, मौका दे देता हूं पांच सेकंड का, जरा एक दूसरे से मशवरा तो कर लो ना। ओ अल्लाह का कुरान सुनने वालों, शाही मस्जिद तोदला में आने वालों, जरा दिल से कह दो मेरे मालिक जो अब कुरान की सूरत यूसुफ का वाकया सुनकर सुभान अल्लाह कह दे, उसका चेहरा भी यूसुफ के हुस्न की खैरात हो। फलम्मा रईनहु, शेख सईद साहब चले गए, अच्छा अच्छा बैठे। فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَدَّرْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا حسن یوسف کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को जब मिस्र की औरतों ने देखा तो कुरान कहता है उंगलियां काट बैठी, लेकिन जब भूख लगी अल्लाह ने फरमाया प्यारे यूसुफ ऐलान कर दो, अरे जिसको भूख लगी है अगर आज भूख मिटानी है तो फला मैदान में इकट्ठे हो जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, लोग गल्ला और अनाज के लिए इकट्ठे हुए। अल्लाह ने फरमाया प्यारे यूसुफ चेहरे से पर्दा उठा दो। अरे जब सुनो अब जरा मोहब्बत का जुमला, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से पर्दा उठाया फिर जिस जिसने यूसुफ को देखा उसे तीन महीने भूख लगी नहीं। तीन महीने उन्हें भूख ही नहीं लगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। हुजूर वो हुस्ने यूसुफ है, वो हुस्ने यूसुफ है,
अरे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा हो उन्हें तो 3 महीने भूख न लगे, और तेरा मेरा नबी सैयदुल मुरसलीन हो, आमना का लाल हो, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हो, मद्दुआ के चेहरे वाला, मल्लैल की जुल्फों वाला, हामीम के कुंडल वाला, मादा गलमसर के सुरमे वाला, अरे जब मेरा और तेरा नबी मेराज की रात जाकर खुद खुदा को देखे, छह दिन नहीं खाया नबी, पर मैं तुम ये गुमान करते होते हम मोहम्मद जैसे बन जाएंगे, पर मैं कौन है तुम में मेरी मिस्र बने। तो रोजा एक ऐसी मख्फी इबादत है जिसको खुदा जानता है या रोजेदार जानता है, लेकिन अब आओ उस सज्जदा को सलाम अकीदत पेश करती हूं। मेरे नबी के गुलामों, सैयदना कैदो आलम की 4 बेटियां बोलो, कितनी बेटियां? 4 बेटियां। मैं तकरीबन कई मरतबा ये अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस होता है मैं इतनी मरतबा अर्ज कर रहा हूँ, और बहुत सी मरतबा मैंने आपको समझाया नबी की एक बेटी नहीं, नबी की 4 बेटियां हैं। वो और लोग हैं जो नबी की एक बेटी मानने वाले हैं, अहले सुन्नत और अहले मोहब्बत का अकीदा है नबी की 4 बेटियां और नबी के 3 बेटे, 4 बेटियां और 2 बेटे हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से, और 1 बेटा हजरत सैयदा मारिया कुबतिया के बतन से। नबी पाक की पहली बेटी हजरत सैयदा जैनब, नौजवानों जरा ख्याल करना, मैं अगर तुमसे पूछूं कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के नाम कितने हैं, आपको अजबर याद हो जाते हैं। मैं पूछूं कि फुटबॉल की टीम के कितने नाम हैं, आपको वो सारे याद हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि हॉकी की टीम के कितने फर्द हैं, आपको पमाए उसके बाप के नाम भी याद हो जाते हैं। लेकिन अफसोस है मुझे इस अहले सुन्नत के जवान पर जो शाही मस्जिद तोतला में भी आए और नबी का दीवाना भी कहलाए। अगर मैं उससे पूछूं कि बताओ बेटा नबी की कितनी बेटियां हैं और उनकी तरतीब क्या है, सिवाय चंद नौजवानों के शायद किसी को सबक याद ना हो। लेकिन आज मैं तुम्हें मोहब्बत के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, और इस आज का ये खिताब सुनने के बाद अपने अपने दिलों में अपनी बहनों का ख्याल करना, अपनी बेटियों का ख्याल करना। ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ बड़े दर्दमंदाना दिल से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी इज्जत अजमतें मोहब्बतों में मजीद बरकतें दे। अब सुनो जरा एक तसलसल के साथ, मेरे और आपके नबी की पहली बेटी सैयदा हजरत जैनब सलामुल्ला जब पैदा हुई तो नबी पाक की उम्र 27 बरस है, हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 42 बरस है, हजरत आकैदु आलम की दूसरी शहजादी हजरत सैयदा रुकैया ये भी हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से, और ते मेरे नबी की तीसरी साहबजादी हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम है, और नबी की चौथी बेटी हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा सलामुल्ला अलैहा हजरत बीबी जैनब सलामुल्ला, ये हजरत सैयदना कैदो आलम की पहली बेटी। ये वो दौर था जब अरब की धरती पर बेटी पैदा होती, बेटियों को कत्ल किया जाता था, और हर मुआशरे में हर फर्द परेशान था, कोई किसी का नाम लेकर कहता, लेकिन ये कत्लो गारत बंद ना हुई। फिर एक वक्त आया कि कत्लो गारत तो बंद हो गई,
लेकिन जिस घर में बेटी पैदा होती, बाप बीवी से झगड़ा करता, शौहर बीवी से झगड़ा करता कि तूने बेटी क्यों जनी है। लेकिन इसी गंदे माहौल में, इसी बड़ा गंदा माहौल में, जब मेरे और आपके नबी के घर में पहली बेटी आई, माहौल क्या था जिस घर में बेटी पैदा हो। ओ बेटियों वालों, अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जत सलामत रखे। अरे औलाद वालों, खुदा सबकी औलाद सलामत रखे। अरे बेटा हो या बेटी हो, मेरे आका फरमाते हैं बेटा भी अल्लाह की नेमत है, ये बेटी भी अल्लाह की रहमत है, और बेटी और बेटा ये दोनों अल्लाह का इनाम है। मैं आज जुमा पढ़ने से पहले मैंने जो भी फोन उठाया, मैंने सुना तो कहने लगे फारूकी साहब 10 साल हो गया औलाद नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो। किसी ने कहा 4 साल हो गए, किसी ने कहा कि ससुराल वाले ताना देते हैं, किसी ने कहा कि मेरे घर वाले ताना देते हैं, मैं और मेरी बीवी परेशान है। मुख्तलिफ मैंने ये बातें सुनी, मेरा दिल परेशान होने लगा। आज इस बड़े मजमे में मेरे सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, और शाही मस्जिद तोतला में आने वालों, अल्लाह तुम्हारे चमकते चेहरों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाए। आज मैंने अपने खिताब का रंग जरा तब्दील कर दिया, मैंने कहा कोई आज सुभान अल्लाह कहे ना कहे, लेकिन आज सैयदा जहरा के दर से खैरात जरूर मिलेगी, आज नबी की बेटी की खैरात जरूर मिलेगी। और बेटियों वालों सुनो, जिन्होंने मुझे टेलीफोन किए, या आप में से कोई दुखी बैठा होगा जिसकी शादी तो हो गई होगी मगर औलाद ना होगी, या वो अपने बच्चों की वजह से परेशान होगा, हम दुआ करते हैं या अल्लाह तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरी अजमत का वास्ता। ऐ अल्लाह, जितने भी औलाद हैं तो तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, आज तुझे जहरा की इज्जत का वास्ता, तुझे जहरा की झोली का वास्ता, तुझे जहरा की सीरत का वास्ता। मौला आज करम कर दे, जितने आए हैं या इनके जानने वालों की, और मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूँ, इससे ज्यादा 10 सेकंड भी दे सकता हूँ, लेकिन अपने अपने दिलों में दुआएं मांग लो, जिनकी औलाद नहीं उनके नाम भी ले लो, अपनी अपनी बहू के नाम ले लो, अपने अपने घर वालों के नाम ले लो, और दिल में ये कह दो या अल्लाह तुझे नबी की प्यारी बेटी का वास्ता, नबी की प्यारी लख्ते जिगर का वास्ता। ऐ अल्लाह, मैं लोगों के तानों से बचा, मेरे मालिक मेरा बेटा है या मेरी बहू है या मेरी बेटी है या मेरी घरवाली है, जो भी रिश्ता हो उसका नाम लेकर जहरा का वास्ता दो। मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कह दो, मुझे यकीन है कि आज जहरा की खैरात जरूर मिलेगी, आज मेरे मोहम्मद के दर से खैरात जरूर आएगी। ऐ अल्लाह, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, जितने भी औलाद हैं आज जरा नाम लिख दे, अगला साल हो हर बे औलाद की गोदी में लाल हो। अब सुनो, मेरे नबी की मोहब्बत रखने वालों, वो माहौल था किबला, वो माहौल था कि जब बेटी पैदा होती उसे कत्ल किया जाता था, फिर एक माहौल बना कि जब बेटी पैदा होती तो शौहर अपनी बीवी से झगड़ा करता। इस बड़ा गंदा माहौल में, इस बड़े नासूर माहौल में, जब आपके और मेरे नबी के घर में पहली बेटी आई, हर तरफ बेटी की पैदाइश पर, बेटी की विलादत पर लोग ताने दिया करते थे, बीवियों के साथ झगड़े हो जाते थे, शौहर
बीवियों से झगड़े करते हैं, लेकिन इस दौर में जब मेरे और आपके नबी के घर में पहली बेटी आई, नाम जिसका सैयदा ज़ैनब रखा गया, सैयदा खदीजतुल कुबरा परेशान है, और मेरे आका की जौजा मोहतरमा उम्र कितनी है, तकरीबन 42 साल है, इधर वो परेशान बैठी है और कहती जाए कि या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे देता, मेरे शौहर नामदार खुशियां मनाते, अभी ऐलाने नबुवत हुआ नहीं, अभी ऐलाने नबुवत को 13 साल बाकी है, लेकिन याद रखो तोतला मस्जिद में आने वालों, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है, नबी जवानी में हो तो तब भी नबी है, नबी बचपन में हो तो तब भी नबी है, नबी लड़कपन में हो तो तब भी नबी है, नबी लड़कपन में हो तो तब भी नबी है, हलीमा की कच्ची कुल्ली में रहे तो तब भी नबी है, अरे आमना के बतन में हो तो नबी तब भी नबी है, अरे बाप की पुश्त में हो तो नबी तब भी नबी है, अरे दादा की पेशानी में हो तो नबी तब भी नबी है, अरे आलम अरवाह में हो तो नबी तब भी, बोलो नबी तब भी नबी है। सरकार ने अभी ऐलाने नबुवत किया नहीं, 27 साल उम्र है, ऐन जवानी का दौर है, ऐन शबाब का दौर है, खदीजतुल कुबरा परेशान बैठी है, इतने में मेरे और आपके नबी आए, अपने घर में कदम रखा, सैयदुल मुरसलीन ने कदम रखा, सरकार दो आलम ने खदीजतुल कुबरा का उतरा हुआ चेहरा देखा, उदास चेहरा देखा, परेशान चेहरा देखा, पर मैं खदीजा क्या हो गया, अरे वो खदीजा तुल कुबरा जो सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हो, जिसने सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ा हो, वो खदीजा तुल कुबरा जिसने अपना सारा माल मोहम्मद अरबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया हो, वो खदीजा तुल कुबरा जिसके लिए मेरे आका नाश किया करते थे, वो खदीजा तुल कुबरा जिसके लिए मेरे आका हमेशा किया करते थे, हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप हमेशा उसका जिक्र करते हैं, मैं आपके घर में हूं और वो बूढ़ी खातून थी, मैं तो आपके घर में हूं, आप मेरी बात करें, बस इतना कहना था तो पैगंबर के चेहरे पे जलाल आया, पर मैं आयशा सुन ले, मैं इसलिए खदीजतुल कुबरा का जिक्र करता हूं, मैं मोहम्मद उसे नहीं भूलता, जब मैंने ऐलान ने नबुवत किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, हर तरफ से किसी जगह से पत्थर मारे जाते थे, कभी मेरी पिंडलियां जख्मी होती थी, कभी मेरे ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, कभी मेरे रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, मैं जिधर से जाता तो आवाज आती, कज़्ज़बता कज़्ज़बता तू झूठा है, तू झूठा है, पर मैं आयशा सुन लो, उस आवाज में एक आवाज उठती थी, हर कोई कहता था तू झूठा है, हर कोई कहता था कसम था तू झूठा है, पर मैं एक आवाज खदीजतुल कुबरा की होती थी, जो कहती थी सद्दकता सद्दकता सद्दकता, पर मैं आशा में उसे याद क्यों ना करूं, जब दुनिया मुझे झुटलाती थी, आशा सुन ले खदीजा मुझे सच्चा कहती थी, सुनो जरा, सरकार जब घर में तशरीफ लाए, सैयदा खदीजतुल कुबरा का उदास चेहरा देखा और परेशान चेहरा देखा, मेरे नबी ने फरमाया खदीजा क्या हुआ, अर की मेरे सर के ताज, बस क्या बताऊं, बेटा नहीं हुआ, बस बेटी पैदा हो गई। अब सुनो बेटियों वालों, मेरे नबी का जुमला सुनो, नबी के एक जुमले ने कयामत तक कहने वाले और बाप का सर फखर से बुलंद कर दिया, पर मैं खदीजा क्या हुआ, हुजूर बेटा नहीं हुआ, बेटी पैदा हो गई। हजरत खदीजतुल कुबरा का कहना था, मेरे नबी ने नारे तकबीर बुलंद किया, पर मैं अल्लाहु अकबर कबीरा, पर मैं खदीजा ये न कहो कि मोहम्मद के घर में बेटी आई है, बल्कि यूं कहो कि अल्लाह
की रहमत आ गई है। और दूसरी बेटी हजरत रुकैया, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, इन दोनों का निकाह ऐलान नबुव्वत से पहले सरकार ने अबू लहब के बेटों से किया। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ। अबू लहब ने बहुत दुश्मनी की, उसने बहुत मुखालफत की और कहने लगा हर तरफ से उसने दुश्मनी के पहाड़ खड़े कर दिए, पैगंबर को परेशान करना चाहा, लेकिन मेरे आका ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया या अल्लाह मुझे तेरे से उम्मीद है, मैं तो यकीन के साथ आया हूँ, मेरा काम है तेरा नाम लेना, मेरा काम है तेरा जिक्र करना, मेरा काम है जगह जगह तेरी तौहीद के डंके बचाना। ऐ अल्लाह अब ये मक्के वाले लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया, अपनों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब फिक्र ना करो, जो लोग तुझे पत्थर मार रहे हैं एक वक्त आएगा कि इनकी आंखें और उनकी पलकें तेरे रास्ते में भी बिछवाऊंगा, ये मेरी कुदरत का नजारा देखना। बिलाखिर अबू लहब बदबख्त ने क्या किया, नबी पाक के बेटियों को अपने बेटों से कहा कि नबी की बेटियों को तलाक दे दो। मसूर जालिमों ने नबी की बेटियों को तलाक दी, नबी परेशान बैठी है। अल्लाह फरमाते हैं प्यारे हबीब फिक्र ना करो, हम इसका सिला तुम्हें अच्छा देंगे। फिर सिला क्या मिला कि सरकार की दोनों बेटियां उस्मान गनी के घर में आ गई। और अब चौथी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला खातून जन्नत फातिमा तज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, ये ऐलान नबुव्वत के पहले साल पैदा हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें बहुत सी खूबियों से नवाजा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा गया, आयशा सिद्दीका ने कहा कि लोगों सवाल करो, हुजूर आप ये बताओ कि नबी के मुशाबा कौन है। फरमाया मैंने नबी के मुशाबा से अगर किसी को देखा है वो फातिमा तज़हरा है। जब फातिमा चलती है तो यूं लगता है कि मोहम्मद आ रहे हैं, जब फातिमा बोलती है तो लगता है कि मोहम्मद बोल रहे हैं, जब फातिमा उठती बैठती है तो पता चलता है कि मोहम्मद आ रहे हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है पर मैं फातिमा से बढ़कर नबी के कोई मुशाबा नहीं। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा नबी की चौथी बेटी, तीन बेटियों का निकाह और उनकी शादी तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कर दी। और जब खदीजतुल कुबरा के विशाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने नबी पाक को बुलाया और ये बड़ा अजीब ये करम, हुजूर ये बहुत दर्दनाक वाकया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने बुलाया और कि मेरे सर के ताज मैंने 25 साल आपके कदमों में गुजारे, मैंने हर चीज आपके कदमों पे कुर्बान कर दी। हुजूर मेरी दो गुजारिशें हैं, पर मैं कौन कौन सी, हुजूर एक गुजारिश तो ये है कि जब मेरा विशाल हो जाए मेरे कपड़ों को जो मुझे गुस्ल के बाद मुझे जो कफन देना, हुजूर उस चादर में देना जिस चादर पे आप पे वही आती थी। हुजूर जब आपके जिस्म से लगी हुई चादर मेरे जेबे तन होगी, अगर मैं कब्र में जब जाऊंगी फरिश्ते पूछेंगे कि तू कौन है, मैं चादर पकड़ कर दिखा दूंगी, फरिश्तों ये देखो मुझ मोहम्मद की चादर कैसे मुझे मिली है। और दूसरी गुजारिश है, हुजूर बस मेरे विशाल के बाद मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना, हुजूर मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता अच्छा बनाना, हुजूर बस यही मैं बात करूंगी, मेरी बेटी फातिमा को रोने ना देना। इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा का विशाल हो गया, नबी ने सारा
साल गम का साल बनाया, और जब से ये वक्त गुजरता गया एक दिन ऐसा आया मेरे और आपके नबी ने सरकार मस्जिद नबी में बैठे हैं, मेरे आका ने अपने हाथों को उठाया और दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा या अल्लाह बस मैं तुझसे फातिमा के लिए खैरात मांग रहा हूँ, मुझे फातिमा के लिए ऐसा शौहर दे दे जिस तरह तूने मेरी बेटी को अजीम बनाया है, इसके लिए घर वाला भी अजीम मिल जाए। ये आपके और मेरे नबी ने ये सरकार बार बार दुआ करते हैं लेकिन परेशान बैठे हैं। सहाबा से मशवरा किया, फरमाया सहाबा ये काम तो खवातीन का होता है लेकिन मैं सुबह शाम अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये मामला हजरत खदीजा ने वसीयत की थी, अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा रिश्ता मिले। बस इतना था कि जिब्रील अमी आए, मुअल्लिम अल मलाइका आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह सलाम दे रहा है, और आपने कहा है दुआ मांगी अल्लाह सलाम दे रहा है, अब नतीजा देखो। अल्लाह फरमाते प्यारे हबीब फिक्र न करो, हमने जहरा के लिए उसका घर वाला चुन लिया है। अल्लाह के पैगाम को देने के बाद जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का निकाह अल्लाह ने अली के साथ अर्श पर कर दिया है। अब अगली बात सुने, सरकार के पास ये पैगाम आया तो सरकार ने फिर ये नहीं किया कि अली मुर्तजा को बुलाते और कहते कि भाई अल्लाह का पैगाम आ गया है लिहाजा ऐसा कर देते हैं, लेकिन नहीं, न किसी से आबी से कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ये मामला तय फरमाया, मौला अली के दिल में बात डाली। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गया है, कहा कि अली शादी कर लो, उनका कहा करें, कहा नबी की बेटी के साथ अगर तुम कहो तो हम गुजारिश कर दें। तो हजरत मौला अली रोने लगे, कहने लगे कहाँ नबी की बेटी और कहाँ मैं, उनका तुम हाँ करो हम सरकार की बारगाह में कहते हैं, जब तुम खुद चले जाओ। एक रिवायत में आता है कि मौला अली खुद आए, हाथ बांध कर बैठ गए, अर्ज किया सुल्ला गुजारिश है मगर अदब इजाजत नहीं देता। सरकार ने फरमाया अली मैं पहचान गया हूँ, बोलो क्या चाहते हो। अर्ज की या रसूलल्लाह अपनी तमन्ना आरजू पेश की तो सरकार ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने तो पहले पैगाम दे दिया है, नहीं, मेरे नबी ने खामोशी इख्तियार की। हजरत मौला अली ने फिर अर्ज किया, सरकार ने फरमाया अच्छा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो चाहेगा, हालांकि जिब्रील अमीन ने पहले खबर दे दी। सरकार ने ऐसा क्यों कहा, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला नो बाहर तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा कि क्या कहा सरकार ने, उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज की हुजूर मैं आपके दर से खैरात लेना चाहता हूँ, तो सरकार ने फरमाया अच्छा इंशाअल्लाह, अब पता नहीं नबी पाक उसके लिए क्या हुक्म देते हैं, आप इकरार करते हैं या मेरे लिए इनकार है। नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अच्छा जरा ठहर जाओ, हमने तो यही सुनाया सकूत मिन रज़ा, ये खामोशी भी आधा इकरार होता है, लिहाजा नबी की मर्जी हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक बारगाह नबूवत में आए, अर्कियार सल्ला मौलाए कायनात आए थे, उन्होंने कर्ज की थी आपका हुक्म क्या है, मेरे नबी ने फरमाया कि अबू बकर मुबारक हो, मेरा दिल भी यही चाहता है और खुदा ने पैगाम भी भेज दिया है और अली ने भी गुजारिश कर दी है, हुजूर फिर देर काहे की। फरमाया अली फरमाया के जरा ठहर जाओ, हुजूर हुक्म करें, फरमाया मुझे घर जाने दो, जरा बेटी फातिमा से पूछने दो, जरा मैं अपनी बेटी फातिमा से राय ले लूं। ये नहीं कहा कि बस अल्लाह का पैगाम
पैगाम आ गया, कयामत तक आने वाली सोसाइटी और मुआशरे के लिए मेरे नबी ने सबक दे दिया। अरे याद रखना कि अपने बच्चों के रिश्ते बच्चों की मर्जी के बगैर न किया करो, उनसे जरूर राय ले लिया करो। ये शरी हुकूक भी है, ये फिका का उसूल भी है, ये इस्लाम भी यही इजाजत देता है। लेकिन मैं नौजवानों से हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, अपनी मर्जी कभी ना करना। हमने तारीख इस्लाम में देखा, हमने दुनिया की तारीख में देखा, जिन बच्चों ने माँ बाप की खुशी में रिश्ता किया, अल्लाह ने उन्हें इज्जत भी दी, अल्लाह ने उनके रिस्क में बरकत भी दी, अल्लाह ने उनको दुनिया में सलामती भी दी। और जिन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ते किए, माँ बाप की नाराजगी मोल ले ली, या अदालतों में चले गए, या उसके साथ कहीं कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन याद रख लो हमने ऐसे रिश्तों को बिगड़ते देखा। शाही मस्जिद तोतला से आज का मैसेज ले जाओ, अपनी औलाद का ख्याल करना, अपनी औलाद से राय भी ले लेना। और नौजवानों अपने माँ बाप का ख्याल करना। गुज़श्ता जुमे के मेरा जो खिताब था, मैंने वालदैन की इज्जत के लिए और मैंने बाप के मकाम पेश किया था। मैं अजहर बेटे अजहर शबीक बेटे से कहूंगा कि इस कैसेट को, इस चीज को जरा दुनिया के तमाम दोस्तों में और बिलखसूस आप लोगों में तकसीम कर दे, ताकि नौजवान मेरे खिताब को सुने, उसके साथ उसे रहबरी मिल जाए, उसे रहनुमाई मिल जाए। फैज़े रसूल का बेटा सईद फारूकी चाहता है मिंबरे रसूल पे बैठ कर वो बात करो, मेरी बात से तेरे घर का मुआशरा सीधा हो जाए, तेरी अखलाक की तरबियत हो जाए और तेरी आंखों में शर्म व हया आ जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर जरा ठहर जाओ, मुझे अपनी बेटी फातिमा से राय लेने दो। ये नबी पाक अपने घर में तशरीफ लाए, अपनी बेटी को बुलाया, वाह सैयदा तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने जब बेटी को आवाज दी, शर्म व हया का पैकर बन के फातिमा तज़ारा नबी के पास आ गई। मेरे नबी ने माथा चूमा और सरकार ने बालों को सूंघा। अब्बा जी क्या बात है, फरमाया बेटा मुझे तेरे बालों से जन्नत के फूलों की खुशबू आ रही है। हुजूर अब्बा जान आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मगर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? फरमाया ये खुशी के आंसू हैं। फरमाया बेटी एक पैगाम लेकर आया हूँ, नबी पाक ने जबरदस्ती नहीं की, नबी पाक ने जबर नहीं किया, मेरे नबी की बेटी है। अरे कुरान जिस घर में नाजिल हुआ हो, शरीयत जिसके घर की हो, तरीकत जिसके घर की हो, अदालत जिसके घर में हो, सदाकत जिसके घर में हो, मेरे आका ने फरमाया के बेटी मैं मोहम्मद चाहता हूँ कि तेरा किसी जगह निकाह कर दिया जाए। सैयदा खामोश खड़ी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया के फातिमा मैं मोहम्मद तुझसे राय ले रहा हूँ, जरा मुझे राय दे दो। अरे कयामत तक आने वाली हर बेटी को सबक दे दिया। मेरी बेटियां इस पैगाम को घरों में ले जाना, जिस बेटी ने बाप की इज्जत का ख्याल किया, जिस बेटी ने माँ की इज्जत का ख्याल किया, अल्लाह ने उसे बड़ी इज्जतों से नवाजा, अल्लाह ने उसे बड़ी बरकतों से नवाजा। हजरत सैयदना कैदू आलम ने फरमाया ए मेरी बेटी फातिमा, मैंने हजरत खदीजतुल कुबरा से वादा किया था तेरा जोड़ तेरा वर ऐसा होगा जो तेरी शान के मुताबिक होगा। फरमाया बेटी क्या ख्याल है, तेरा निकाली के साथ कर दिया जाए? हजरत सैयदा खामोश खड़ी हुई, अर्गी या रसूल अल्लाह मेरे वालिद हो, मैं आपकी बेटी हूँ, जो फैसला आपका है और मुझे यकीन है मेरा बाबा नहीं बोलता जब तक के मर्जी मेरे अल्लाह की ना हो। हुजूर ये रिश्ता तय हो गया, अल्लाह मेरे नबी ने खुद निकाह पढ़ा, ये रिश्ता तय हो गया, नबी ने निकाह खुद पढ़ा। निकाह के साथ साथ सरकार ने गवाह किसे बनाया? हजरत फारूक आजम मुराद पैगंबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, इन दोनों को अली के निकाह का गवाह बनाया। और
फिर सरकार ने फरमाया, अली कुछ है तेरे पास? अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। फरमाया कुछ है सही, शादी जो करनी है तेरे लिए, कुछ सामान वगैरह? अर्ज की, या रसूल अल्लाह बस मेरे पास एक घोड़ा, एक तलवार, एक जीरा, बस तीन चीजें। सरकार ने फरमाया घोड़ा ना बेचना, ये जिहाद में काम आता है। फरमाया तलवार ना बेचना, ये इंसान का जेवर है, ये मुसलमान का जेवर है। हुजूर तीसरी चीज है वो ढाल, वो सिरा। फरमाया हाँ ये बेच दो। हजरत मौला अली बेचने गए तो रास्ते में खरीदार उस्मान गनी मिल गए। यार दिल से सुनो ना, ये जीरा तकरीबन 400 दिरहम में खरीद ली, 400 दिरहम में खरीद ली। सैयदना उस्मान गनी ने रकम दे दी। मौलाए कायनात लेकर रकम सरकार की बारगाह में आए, अर्जिया ये जीरा बेच कर आया हूँ और ये रकम लेकर आया हूँ। सरकार ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल बाजार में जाओ, मेरी बेटी के लिए दो चादरें लेकर, मेरी बेटी के लिए दो चादरें लेकर आओ और एक चक्की लेकर आओ जिससे दाने पीस कर आटा बनाएगी, और एक लिहाफ लेकर आओ और दो चार चीजें बर्तनों के बताए। फरमाया ये सामान लेकर आओ, आज लम्हे फिक्रिया है और तोतला मस्जिद में आने वालों, अल्लाह तुम्हें बड़ी दौलत से नवाजे, अल्लाह तुम्हें बहुत सी इज्जतों से नवाजे, लेकिन ख्याल किया करो अपनी बेटियों को जहेज देते हुए। मैं कब बहुत सी जगहों पर गया, देखा तो निकाह पढ़ने से पहले कभी सड़क पर जहेज लगाया गया, कभी गली में से जहेज लगाया गया, और पूरे महल्ले वालों को बुलाया जाता है कि आओ महल्ले वालों देखो मैंने बेटी को जहेज दिया। वो तकरीबन 2-3 कनाल की जगह या कम से कम 10-12 मरले की जगह उस पे जहेज रखा हुआ है, और लोगों को बच्चियों को बुलाया गया और उन्हें बुलाया जाता है कि आओ, और उसमें खवातीन भी आती हैं, और बुलाकर अपनी बेटियों का जहेज दिखाने वालों तुम्हें कभी ये भी ख्याल आया कि कभी इस जहेज को देखने के लिए कभी गरीब की बच्ची भी आ जाएगी, कभी मजदूर की बच्ची भी आ जाएगी। जब मजदूर की बच्ची आएगी, जब गरीब की बच्ची आएगी, उसका दिल दुखेगा और वो कहेगी काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मेरा बाप भी मुझे जहेज देता। वो गरीब की बच्ची कहती काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मुझे भी जहेज मिलता। इसलिए मैं आज करूंगा कि अपने जहेजों को जरा कम भी कर दो, अगर नहीं कम कर सकते तो मैं अपनी बेटियों को देना है तो छुपा छुपा कर दिया करो, गरीब की बेटियों का ख्याल किया करो। मेरा दीन क्या सिखाता है, मेरा इस्लाम क्या सिखाता है? अरे मेरे आका ने तो यहां तक कह दिया। पर मैं अब बच्चे खेल रहे हैं, अगर 10-12 बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में से तुम्हारा बच्चा खड़ा हो उसको आवाज ना देना कि बेटा फला आ जाओ। हो सकता है तुम आवाज दो, उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा ना खड़ा हो, और जब तुम आवाज दो बेटा आ जाओ, कहीं यतीम बच्चा ये ना कह दे कि काश मेरा बाप भी होता मुझे भी बुलाता, काश मेरा बाप होता मुझे भी आवाज देता। अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमा, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमा। अब देखो मेरे नबी की बेटी का जहेज देखो। मदीने के कुछ लोगों ने ताना दिया, अली अगर हमारे घर में शादी करता तुझे बड़ा जहेज देते,
ये बरसबीले तस्करा मौला कायनात घर में आकर बात करते हैं। सबसे ज्यादा ताना दिया अबू जहल ने, उसने कहा मेरे घर में शादी करता तुझे सामान देते, नबी के घर में शादी की है मिला क्या है। आज भी मैं मीडिया, प्रिंट मीडिया हो सोशल मीडिया हो, उस पे हजारों वाकियात होते हैं कि बेटी दहेज लेकर घर में गई, कभी शौहर ने ताना दिया तो क्या लेकर आई है, कभी ससुर ने ताना दिया तो मेरी बहू क्या लेकर आई है। अगर जो कुछ लेकर आई है एक एक चीज पे ताना देना शुरू कर दिया, ये अच्छी नहीं है ये खराब चीज है, उतारा हाथ बांधूंगा, तुम्हें नहीं मालूम वो ताना दे वालों, तुम्हें नहीं मालूम कि उस बच्ची के बाप ने कितनी मेहनत की होगी, तुम्हें नहीं मालूम उस बेटी के बाप ने कितने पापड़ बेले होंगे, अपनी बेटी को जहेज दिया होगा। अबू जहल ने कहा हमारे घर में शादी करता हम तुझे बड़ा जहेज देते, हम तुम्हें बड़ा सामान देते। बरसबीले तस्करा ये बात मौला अली ने घर में की, सैयदा जहरा का दिल दुखने लग गया, कहने लग किया अल्लाह तू जानता है मैं मोहम्मद की बेटी हूँ और मैं अली की जौजा हूँ, लेकिन मदीने के कुछ लोगों ने ताना दिया है। ऐ अल्लाह मुझे तो मेरे बाबे मोहम्मद ने वादा किया है, बेटा इस जहेज में सब्र कर लेना, कल कयामत के दिन अल्लाह तुझे जहेज जरूर देगा। और उसी जगह पर मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा कर हाथ उठाए सर सजदे ने कहा और कहा या अल्लाह जो जहेज का वादा तूने कयामत के दिन किया है आज जरा दुनिया में अली को तो दिखा दे। आज जरा अली को तो दिखा दे। मौला कायनात फरमाते हैं मैं बस मैं बैठा आंख लगी तो ख्वाब में देखता हूं ऊंटों की कतार जा रही है, ना पहला ऊंट नजर आता है ना आखिरी ऊंट नजर आता है, हर ऊंट पे दो संदूकें हैं। सुनो मैं देख रहा हूं हर आकाश को। मैंने शुरू में खान साहब जब आपने वो शेर कैसे है कि शुरू में वो निकालो नजर दो जगदी मलका क्या खूबसूरत शेर पढ़ा, दो जग दी मलका हत्था ते हिन वछाले। सैयदना अली अमर दादा दो जुमले बस सरंकी के बोल देता हूं आपके हुक्म में फरमाइश के। सैयदा फातिमा तज़ारा ने दुआ की थी मौला जेड़ा जहेज में कुकियां मतले जड़े देवनी अजली को दुनिया च लिखा। मौला अली फरमान मैं जो सुता मेरी अख लगी है उठों दी कतार हर उठ ते दू संदूका, पुछना की तम जो केंदा समान है ना पहला उठ नजरा दे ना आखरी उठ नजरा दे। हुण जुमला सुनो जेड़ा जवाब दिते मौला अली फरमान मैं जो पूछे समान केंदा उन्ना उठा वाले आखे अली अज चंद महीने थे न मदीने दी धरती ते अली दा निकाह नबी दी बेटी जहरा नाल थे, असा हूं जाड़े दा दाज जन्नत ज ठोंदे खड़े है। मौला अली फरमान मेरी अख खुली है जहरा दे कोल आया, मैं के जहरा तेरे बाबे सच आए खा तेरी दुआ कबूल थी है, जेड़ा दाज जहेद देवना रब ने क्या मत आले जाड़े हुणे दिखा दिते। आज 4 तारीख है जुमा का दिन है जब अफतारी करना और उससे कुछ आज अभी इरादा कर लो कि अगर मैं 100 रुपया अफतारी पे खर्च करता हूं तो 50 और खर्च करूंगा और उसका सवाब जो कुछ बैठे खाएं खुद अपने बच्चों के साथ और उस पर 3 मरतबा सूरत इखलास 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर
रब की बारगाह में पेश करके कहें मौला इसका सवाब नबी की बेटी को पहुंचा, फिर नजारे देखना कि जिंदगी में मिलता क्या कुछ नहीं। और ये अमल कर लो कहना कि मौला औलाद नहीं औलाद दे, घर नहीं घर दे, रिस्क नहीं रिस्क दे, तोतला मस्जिद में आकर फिर भी खाली जाओ। रब्बे काबा की कसम, नहीं बोल सकते तो ना बोलो, तुम्हें जहरा के पर्दे की कसम, तुम्हें हुसैन की शहादत की कसम, तुम्हें हसन के जहर वाले प्याले की कसम, तुम्हें अली की शजाअत की कसम, तुझे मोहम्मद की जुल्फों की कसम। अरे मांगना तेरा काम है, देना मेरे रब का काम है। बाकी मरहबा या रमजा, 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 मरहबा या रमजा।